स्वागत है आप सभी का वनिता किचन में। आज हम बनाएंगे श्रीखंड। सबसे पहले हमें ये छन्नी चाहिए, इसके नीचे हम ये प्लेट रख देंगे। आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले। ये कॉटन का कपड़ा लिया है हमने, वो हम छन्नी में रख देंगे। आधा किलो दही लिया है, वो हम डाल देंगे इसमें। अब हमें इसकी एक पोटली बांधना है। हमें टाइट पोटली बांधना है इसकी। ये हमने टाइट पोटली बांध दी है। आप देख सकते हैं कि कैसा पानी निकल रहा है। हमें किचन में कोई भी जगह पे टांग देना है पूरी रात के लिए, ओवरनाइट के लिए। हमारा हंकड़ रेडी है, चलो उसको चेक कर लेते हैं। अब देख सकते हैं कि पूरा पानी निकल गया है। इसको हम बाउल में डाल देते हैं। इसे हमें फेंटना है, अच्छे से स्मूथ बनाना है हमें। हमारा फेट चुका है। गर्म दूध में केसर भिगो दिया था, वो हम ऐड करेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। कितना बढ़िया सा रंग आया है हमारा केसर का। हम इसमें पीसी हुई शुगर ऐड करेंगे। ये शुगर पाउडर को हम अच्छे से श्रीखंड में मिक्स कर देंगे। अब जितना मीठा पसंद करते हैं उसके हिसाब से आप शुगर पाउडर ऐड कर सकते हैं। हम इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड करेंगे। हम इसमें काजू पिस्ता ऐड करेंगे। आप अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक बार घर पे श्रीखंड बनाना ट्राई करें, बहुत ही बढ़िया बनता है। जब आप एक बार बना लेंगे तो आप बाहर का श्रीखंड भूल जाएंगे। ये श्रीखंड हमारा रेडी है। इसको हम बंद करके आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो हम ठंडा ठंडा ही सर्व करेंगे। वाह, आप तो देख सकते हैं ये श्रीखंड बहुत ही क्रीमी और बहुत ही अच्छा बना है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। वाह, और इसके अंदर केसर का कलर बहुत ही निखर के आया है। आप सब देख सकते हैं ये केसर है यहाँ पर। मैं मिक्स करके दिखा दी आप सबको। और ये इलायची है, यहाँ पर इलायची है। चिकन बहुत ही अच्छा बना है, आप सब देख सकते हैं। तो प्लीज अगर आपको ये चिकन बहुत ही अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरी मम्मा के चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय।